कानपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सूत्रों के वाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई के सदस्यों ने किए चौंकाने वाले खुलासे, हिंसा के पीछे एसडीपीआई को राजनीतिक चेहरा बताया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, पीएफआई से जुड़े मामले पर बड़ा खुलासा अधिकारी की तरफ से किया गया है। सीए के विरोध में हिंसा भड़काने में एसडीपीआई का साजिश थी, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई की कर रही है मदद। एसडीपीआई राजनीतिक चेहरा बनकर पीएफआई की मदद कर रही है, तो पीएफआई के पांचों सदस्यों का सीधा ताल्लुक है इससे। तो एसडीपीआई से 31 जनवरी को निकला बाबूपुरवा, पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। इंटेलिजेंस ने जेल में बंद पांचों आरोपियों से पूछताछ में इसका पता लगाया है। तो ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की कानपुर से, जहां पर पीएफआई के सदस्यों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो जिस तरह से हिंसा को लेकर खबर आ रही थी कि जो बीते दिनों काफी हिंसा देखने को मिली थी सी और एनआरसी पर, उस विरोध की आड़ में पीएफआई फंड काफी मायने यहां पर रख रहा था, एक के बाद एक खुलासे यहां पर हो रहे हैं। और अब एक और चौंकाने वाले खुलासे यहां पर किए गए हैं, जिसमें एसडीपीआई की भूमिका बेहद संदिग्ध नजर आ रही है। पीएफआई के पांचों सदस्यों का सीधा ताल्लुक एसडीपीआई से है। तो 31 जनवरी को बाबूपुरवा, इस पर ये लगे थे, इंटेलिजेंस ने जेल में बंद पांचों आरोपियों से पूछताछ में इस तमाम चीजों का पता लगाया। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां पीएफआई के सदस्यों ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा है कि हिंसा के पीछे एसडीपीआई को राजनीतिक चेहरा बताया है। तो सीए के विरोध में हिंसा भड़काने में एसडीपीआई की साजिश थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई की मदद कर रही थी। संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज, बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे पीएफआई सदस्यों की तरफ से। बिल्कुल आशमा जी, जिस तरीके से टीमें पूछताछ कर रही लगातार पकड़े गए लोगों से, जो खुद को पीएफआई के सदस्य पहले बता रहे थे, तो उनसे तमाम खुलासे हो रहे हैं। जो हमारे सूत्र है उनके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सीधा संपर्क जो है इनसे देखने को मिला है, और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर इंटेलिजेंस की टीम ने इन लोगों से बातचीत की है, वो खुलासे हुए हैं। साथ ही इसके साथ में आईबी को ये भी जानकारी मिली है कि एक दर्जन से अधिक जो नेता हैं इसमें वो शामिल थे, बड़े नेता हैं, चर्चित नेता हैं, वो इसमें शामिल थे, उनकी कॉल डिटेल और अन्य गतिविधियों पर खास नजर रखी जा रही है। आसपास बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से चौंकाने वाले खुलासे निरज हुए हैं, अब इस पर आगे किस तरह से कार्रवाई यहां पर होगी, क्योंकि पांचों सदस्यों ने जिस तरह से यहां पर खुलासा किया है एसडीपीआई पर, सब सीधे सीधे सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, तो ऐसे में अब आगे किस तरह से कदम? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सबसे पहले तो जो इनको फंडिंग की जा रही थी उसको लेकर, साथ ही जो लोग इससे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, इनसे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, साथ ही उनपे उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अगर उसमें जानकारी के मुताबिक अहम सबूत मिलेंगे तो जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, जो इस हिंसा के पीछे, इसको उसकाने के पीछे लगे रहे, जो जिनके नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल नीरज, अभी तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है, लेकिन अगर ये बात पुख्ता हो जाती है और इस तरह से जो यहाँ पर मदद एसडीपीआई पर लग रही है, आरोप जो लग रहे हैं, अगर ये पूरी तरह से पुख्ता हो जाते हैं, तो क्या अभी इनको लेकर कोई पूछताछ उन पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई पार्टी पर? बिल्कुल बढ़ती हुई पाई जाएंगी, क्योंकि मेरठ में जो हिंसा हुई थी उसमें एसपीडीआई के प्रदेश अध्यक्ष नूर हसन और उनके ड्राइवर अब्दुल हाशमी को गिरफ्तार किया गया था, उनसे भी पूछताछ हुई है, और जो कानपुर पकड़े गए लोग हैं इनसे पूछताछ हुई है। उसी पूछताछ में जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि उसी पूछताछ में कनेक्शन निकला है कि इन दोनों का कनेक्शन है, जिसके बाद से लगातार तमाम अन्य लोगों के ऊपर भी नजर बना ली गई है, उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।